Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video students, we are going to do chapter number 12 of class 4 TVS and name of the chapter is Changing Times. ये आपकी एक story है जिसमें एक person जो different time phases थे उनकी life के उसके बारे में कुछ बता रहा है और specially जो आपको main जो chapter का जो theme है that is type of houses कि over time type of houses उनमें जो material use होता है different जो parts है houses के वो किस तरीके से change हुए हैं ये आपको चैप्टर में बताया गया है. थोड़ा जिस्ट मैंने बता दी है, बाकी जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके सो लेट्स बिगिन नाउ. पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देन आपकी एक क्विज होगी इस चैप्टर की जिसमें रिलेटेड टू इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और उसके बाद एक वर्कशीट होगी जिसमें एनसीईआरटी के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच से बन सकते हैं हम उनको कवर करेंगे. ओके बिफोर दैट कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर बाय चांस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम श्योर आपको पता होगा क्या करना है. पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए. सो लेट्स बिगिन नाउ. माय नेम इज़ चेतन दास. मेरा नाम चेतन दास है. मेनी इयर्स अगो बहुत साल पहले आई यूज़ टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू. मैं तुम जैसे बच्चों को ही पढ़ाया करता था. दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग. और आजकल मैं अपना टाइम कैसे पास करता हूँ, लिखता हूँ जो भी मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके बारे में जब मैं यंग था, छोटा था. आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू. मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. अ बिग मूव, एक बड़ा मूव जो इनकी लाइफ में हुआ था, चेतन दास की लाइफ में, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड. जब मैं 9 साल का था मुझे वो टाइम याद आता है. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 ईयर्स अगो. आज से लगभग 60 साल पहले की बात है. 60 साल पहले की बात है, तब वो 9 ईयर्स के थे. तो कहने का मतलब है कि अभी ये ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के होंगे चेतन दास. ओके दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खान. ये वो टाइम है जब हम लोग डेरा गाजी खान गांव में रहा करते थे. ये गांव अभी पाकिस्तान में है. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. ओके एट दैट टाइम, उस टाइम पे there were a lot of problems all around us. हमारे चारों तरफ बहुत problems थी. I could not understand what was happening. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. One day Baba told us, एक दिन बाबा ने हमें कहा that we had to leave our village, कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा and move to another place, और दूसरी जगह जाना पड़ेगा. ये बात कर रहे हैं 1947 की. I'm sure आपको पता होगा हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी टाइम इंडिया जो है उसका पार्टीशन भी हुआ था. इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो बहुत सारे लोग वहाँ से यहाँ पर मूव कर गए थे इंडिया में, और काफ़ी सारे लोग इंडिया में जो उनका नेटिव प्लेस था उसको छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे. तो ये उस टाइम की बात चेतन दास बता रहे हैं. तो इनके पिताजी कहते हैं कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस. ऑब्वियसली आपको किसी को भी अपना घर छोड़ना पड़ता है तो बच्चे बड़े सभी दुखी होते हैं. एंड माई विलेज दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. वही वो जगह थी जहाँ पर मेरे सारे दोस्त थे. ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा एंड माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टुक द ट्रेन टू कम हेयर. और सभी ने, बाबा, अम्मा, बहनों और छोटे जो भाई थे, सभी ने ट्रेन ली और हम यहाँ पर आ गए. यहाँ पर कहाँ? नियर दिल्ली, दिल्ली के पास में. लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड. हमारी तरह कई सारे लोग भी वहाँ से मूव कर गए थे. पीपल वर सेइंग दैट आर कंट्री वॉज बींग डिवाइडेड इंटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. जैसे मैंने कहा पार्टीशन हुआ था कंट्री का इंडिया और पाकिस्तान में. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान. बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, जैसे कि हम लोग इंडिया आ गए थे. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैम्प. अब जैसे आप जानते हैं किसी दूसरी कंट्री से लोग आए हैं तो ऐसा तो नहीं है आते ही इंडिया में बहुत सारे हमने घर बनाए हुए थे, आते हम उन लोगों को जगह दे देंगे. तो उन लोगों को कैंप में ठहराया गया था कुछ टाइम के लिए. वी लिव्ड इन अ बिग टेंट दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड. हम एक टेंट में रहे जो कि एक बड़े से ग्राउंड पर लगा हुआ था. सेम दोनों तरफ से सेम यही चीज़ें थी. लोग इंडिया से पाकिस्तान मूव कर रहे थे, जिसको जहाँ पर रहना आप लोगों की चॉइस, उस टाइम लोगों की चॉइस थी. काफ़ी सारे ट्रेन्स और बसेस इस चीज़ के लिए चलाई भी गई थी. अ न्यू होम. अभी अपने नए घर के बारे में बता रहे हैं चेतन दास. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज. एक दिन जो बाबा है, इनके पिताजी जिनको ये बाबा कहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमें सोहना गांव में कुछ ज़मीन मिल गई है, लैंड मिल गई है. ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आर हाउस देयर. उन्होंने हमें बताया कि हम लोग वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था. बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. बाबा और अम्मा ने बहुत मेहनत की घर को बनाने के लिए. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. हम बच्चों ने भी मदद की. बाबा डग द सॉइल. बाबा मिट्टी खोदते थे. एंड वी क्विकली फिल द पैंस एंड पासिस देम टू अम्मा.
हम जल्दी से पैन को फिल करते थे और अम्मा को पास करते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। गुड़िया और अम्मा उसमें हस्क जिसे आप भूसा बोलते हैं वो मिलाते थे। बाबा पुट अप द वॉल और बाबा दीवार बना रहे थे मिट्टी से। वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस। हम पास के घरों से गाय का गोबर लेके आ गए। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड। अम्मा ने उसको मिट्टी के साथ मिलाया। शी कोटेड द फ्लोर विद द मिक्सचर। उसने मिक्सचर से फ्लोर को कोट कर दिया। जो कच्चे घर होते थे पहले, इवन आजकल भी, उसको मिट्टी और गोबर से लीपा जाता है। जस्ट लाइक शी यूज़ टू डू इन आर ओल्ड हाउस। जैसे कि वो हमारे पुराने घर में किया करती थी। अम्मा यूज़ टू से, अम्मा कहती थी दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि घर को क्यों कोट किया जाता है काउ डंग से और मड से, ताकि इंसेक्ट्स दूर रहे। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। अब दीवारें जो बाबा ने बना दी, जो जमीन था, फ्लोर जो था, उसको अम्मा ने कोट कर दिया। उनसे अब बारी थी छत बनाने की, रूफ बनाने की। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन फोर वॉल्स। चार दीवारें वो बना चुके थे पहले, उन्होंने एक लकड़ी का वुड स्ट्रिप्स को जॉइन करके एक ढांचा तैयार किया, फ्रेम तैयार किया और उसको चारों वॉल्स के ऊपर रख दिया। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्री ऑन द फ्रेम। हमने नीम और कीकर ट्री की ब्रांचेस उसके ऊपर रख दी, टहनियाँ। क्यों रखी? सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। आप जानते हैं जो लकड़ी होती है उसमें दीमक लग जाती है, टर्माइट्स, जो कि उसको खोखला कर देती है, ख़राब कर देती है। तो इसलिए नीम और कीकर के उन्होंने उसके ऊपर, फ्रेम के ऊपर ब्रांचेज रखी थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, फिर से इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है, अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड इट विद द मड। अम्मा ने कुछ गनी बैग्स पुराने उसके ऊपर रख दिए और हमने उसको मिट्टी से कवर कर दिया छत को। मोस्ट ऑफ हाउसेज अराउंड आर हाउस वॉज मेड लाइक आर्स। हमारे आसपास के जो काफ़ी सारे घर थे वो हमारे घर के जैसे ही बने थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ थोड़े से अलग थे, बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अपना घर पसंद था, जैसे सबको होता ही है। इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस। ये बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा ही था। ओके, फाइंड आउट एंड राइट। अब आपके लिए क्वेश्चन हैं। टॉक टू एनी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है, ये आप ही के लिए क्वेश्चन है। और पूछना है कि जब वो 8 साल के थे तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो कहाँ रहा करते थे, उस जगह का नाम आप पूछेंगे, उनके घर जो था वो किन मटेरियल से बना था। आई एम श्योर उस टाइम पे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स जब छोटे थे तो घर मिट्टी के ही बने होते थे जनरली। ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि जो अनबेक्ड ब्रिक है, कच्ची ईंटें हो, उनका बना हो। डिड दे हैव टॉयलेट इन देयर हाउस। टॉयलेट पहले बहुत लोगों के घर में नहीं होती थी, तो क्या उनके घर में टॉयलेट्स थी, और नहीं थी तो वेयर वॉज इट, वो कहाँ जाते थे, और इन विच पार्ट, और किस पार्ट में वो खाना बनाया करते थे। ये क्वेश्चन है जो कि आपको पूछने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज वेन चेतन दास हाउसेज वॉज मेड, वाई। बहुत सारा मड, मिट्टी यूज की गई जब चेतन दास ने घर बनाया, तो क्यों ऐसा किया गया? तो देखिए, दो रीजंस इसके हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि मड जो थी वो इजीली अवेलेबल थी उस टाइम पर, आसानी से मिल जाती थी। लोगों के पास बहुत सारे पैसे नहीं थे कि वो ईंट और ये सब खरीद सके। और दूसरा ये भी रीज़न, ये मेन रीज़न है कि जो मड के जो घर होते हैं, मिट्टी के जो घर होते थे, वो ठंडे रहते थे गर्मियों में और सर्दियों में गर्म रहते थे। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं ईंटें जो होती है, पक्की ईंटें, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। घरों में आपने देखा होगा दीवारें गर्म हो जाती है गर्मियों में, सर्दियों में ठंडे रहते हैं। और जो मड के हाउसेज होते हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। तो ये दो रीजंस थे मिट्टी का घर बनाने के। क्वेश्चन सारे मैं आपको जो आपकी वर्कशीट होगी उसमें करा दूंगी, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चैप्टर को समझ लीजिए। ओके,